प्रिय भक्तों, पंचमुखी हनुमान जी का पंचमुख हनुमान कवचम मनुष्य के जीवन के सभी अनिष्टों को दूर करने वाला है। इस कवच को प्रतिदिन पाठ करने वाले या सुनने वाले के जीवन के सभी रोग अथवा कष्ट उन्हें कभी सताते नहीं हैं। जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र घर के द्वार पर या घर के अंदर पूजा के स्थान पर रखा जाता है, उस घर में बुरी आत्मा, भूत, पिशाच, किसी भी अलौकिक प्राणी घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और हनुमान जी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। इस कवच का नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति पर किसी भी तांत्रिक प्रभाव, जादू टोना आदि किसी भी चीज का प्रभाव नहीं होता तथा वह स्वतः ही निर्भय हो जाता है। तो भक्तों, आइए पंचमुखी हनुमान जी के इस कवच का पाठ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पंचवदनाय अंजनेयाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषेः गायत्री छंदः पंचमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट इति दिग्बन्धः। श्री गरुड उवाच। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि श्रीडु सर्वांग सुंदरे यत् कृतं देव देवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंचनयनैर्युतं बाहुभिदर्शभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रिकुटीकुटिलेक्षणं अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजोऽपूषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनं ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तर्ष्या सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशमंकुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिमुर्निपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतो मुखं पञ्चाशमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्वरम् ओम हरिमर्कट मर्कट मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता एकवारं जपे स्तोत्रं
सर्वशत्रु निवारणम् द्विवारं तु पठे नित्यम् उत्रपौत्र प्रवर्धनम् त्रिवारं च पठे नित्यम् सर्वसंपत्करं शुभम् चतुर्वारं पठे नित्यम् सर्वरोग निवारणम् पञ्चवारं पठे नित्यम् सर्वलोकवसंकरम् षट्वारं च पठे नित्यम् सर्वदेववसंकरम् सप्तवारं पठे नित्यम् सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यम् इष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठे नित्यम् राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यम् त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठे नित्यम् सर्वसिद्धिर्भवेद् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तद्वंस् महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबालमवाप्नुयात् इति श्री सुदर्शन संहितायां श्रीरामचंद्र सीता प्रोक्तम् श्री पंचमुख हनुमत कवचम् संपूर्णम्।